हूँ रेणु शर्मा, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम हिंदी फर्स्ट में पार्ट 11 क्या सीखा आपने नामक एक पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम यातायात से संबंधित कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। पार्ट 11 क्या सीखा आपने। देखिए बच्चों, सड़क पर चलने के बहुत सारे नियम होते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, कब रुकना चाहिए, ठीक है। तो इन नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या है, हम सुरक्षित रहते हैं, हमारी सुरक्षा रहती है। इन्हीं नियमों से संबंधित आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, बस से उतरकर बच्चे विद्यालय में पहुंचे। उन्होंने देखा कि नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखी है, कल दिना 14/7/2020 को सड़क के सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए यातायात नियंत्रक अधिकारी आएंगे। सबके मन में कुछ सवाल थे, जिन्हें लेकर वे अपनी कक्षा में पहुंचे। अध्यापिका जी के आते ही सब अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। इसमें क्या है, सभी बच्चे विद्यालय में पहुंचे और वहां पर विद्यालय में प्रवेश करते ही उनको नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ दिखा कि कल तुम्हारे विद्यालय में यातायात नियंत्रक अधिकारी आएंगे, जो कि आपको यातायात के नियमों की जानकारी देंगे। इससे सभी बच्चे उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और वो सभी अपनी अपनी क्लास में गए और अपनी कक्षा अध्यापिका अपनी क्लास टीचर से उनसे कुछ सवाल पूछे। अध्यापिका जी ने बच्चों को शांत किया, फिर उन्हें समझाते हुए कहा, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे इसकी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं, कल सब उनकी बात को आप ध्यान से सुनना। ये सब उनकी कक्षा अध्यापिका ने उनको बता दिया पहले ही। देखिए, सभी बच्चे एक स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। यहाँ पर यातायात नियंत्रक अधिकारी हैं और ये इनकी बातों को सुन रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, जी मैडम, बच्चों ने हामी भरी। सभी बच्चों ने कह दिया कि हाँ ठीक है मैडम, हम उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगले दिन अध्यापिका जी सबको ऑडिटोरियम में ले गई। ऑडिटोरियम में, अपने स्कूल में भी जब कुछ फंक्शन होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, तो आप सभी को लेके जाते हैं ना, बिल्कुल अनुशासन में लाइन बना के एक एक क्लास वाइज और ऑडिटोरियम में बिठा देते हैं और वहाँ पर आपको शांत रहने के लिए कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन बच्चों को भी ऑडिटोरियम में लेके गई उनकी कक्षा अध्यापिका। थोड़ी देर बाद अधिकारी आए। अध्यापिका के इशारा करते ही सब अपने जगह पर खड़े हो गए। उनको विश किया, उनका सम्मान किया खड़े होकर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चों, हंसते हुए अधिकारी ने कहा। तभी कक्षा दो का एक छात्र विरल वो बोल उठा, ये तो वही अंकल है जो बत्ती पर हमें रुकने और जाने का इशारा करते हैं। उस बच्चे ने उनको पहचान लिया कि कहीं वो बाहर गया और उसने वहाँ पर उनको देख लिया कि ये तो वही अंकल है जो हमें आने जाने के लिए रोकते हैं, इशारा करते हैं। हाँ बेटा, मैं वही हूँ। अच्छा, आपको पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो फिर अधिकारी ने कहा उससे विरल से कि हाँ बेटा, आपने मुझे पहचान लिया, मैं वही हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। अधिकारी ने पूछा, जिससे हमारी गाड़ियां आपस में न टकराए, कक्षा चार की वैशाली ने खड़े होकर कहा। ये जब प्रश्न उन्होंने पूछा तो कक्षा चार की वैशाली खड़ी और उन्होंने बोला कि जिससे हमारी गाड़ियां आपस में टकराए नहीं और हम सुरक्षित निकल सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब बताओ सड़क पर लगी तीन बत्तियों में कौन कौन से रंग होते हैं, उन्होंने अगला प्रश्न किया। बच्चों के लिए यह प्रश्न बहुत सरल था, सभी एक साथ बोले, लाल, पीला और हरा। बच्चों ने इन बत्तियों के बारे में उनको बता दिया अधिकारी को। फिर ये बत्तियां हमें क्या बताती है, प्रश्न किया कि ये बत्तियां हमें क्या बताती है। मुदिता जो कि एक छात्रा है, उसने बोला, लाल बत्ती रुकने को, पीली बत्ती रुकने की तैयारी को और हरी बत्ती चलने को कहती है। ये बच्चों आपको भी बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए कि हमें जब सड़क पर चलते हैं तो वो जो बत्तियां होती है, लाल, पीली, हरी, ये हमें क्या संकेत देती है। ठीक है, तो लाल बत्ती तो हमें रुकने को और पीली बत्ती रुकने के लिए तैयारी की, अब रुक जाइए, और हरी बत्ती चलने को कहती है। बच्चों से मिल रहे जवाब सुनकर अधिकारी बहुत खुश हुए कि देखो बच्चों को कितनी जानकारी इन चीज़ों की, उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, शाबाश बच्चों, अब मैं सड़क सुरक्षा के बारे में बताता हूँ, सुनो। हमें सड़क पर सावधानी के साथ चलना चाहिए। सबसे पहला नियम, हमें सड़क पर सावधानी से चलना चाहिए।
सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए, हमें बीच सड़क पर बीच राह पर नहीं चलना चाहिए, अलग से सड़क के पास में जो फुटपाथ बना होता है जब हम पैदल चलते हैं तो उस पर चलना चाहिए। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क के दाहिने ओर चलना चाहिए, दाई तरफ चलना चाहिए, ताकि सामने से आने वाले वाहनों से बचा जा सके। जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। जब हम चलते तो जेब्रा व्हाइट और ब्लैक कलर की जो क्रॉसिंग बनी होती है, जब हम चलते पैदल तो उस पे से सड़क पार करनी चाहिए। शुभ ने हाथ खड़ा करके पूछा, शुभ नामक एक छात्र है जिसने हाथ खड़ा करके पूछा, कुछ प्रश्न पूछने की उसकी इच्छा थी। उसने पूछा, सर जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? उसकी बात सुनकर दूसरे बच्चे आपस में ही बताने लगे। अध्यापिका ने सबको शांत करवाया, उनसे प्रश्न पूछा तो आपस में बातें करने लग गए और सबको शांत करवाया। अधिकारी ने बताना शुरू किया, सड़क पर बनी सफेद और काली धारी वाली पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसके ऊपर से पैदल यात्री सड़क पार करते हैं। आप जैसे बच्चों के लिए विशेष निर्देश यह है कि पैदल चलते समय जब भी सड़क पार करना, दाएं बाएं देखकर और हरी बत्ती होने पर ही करना। सड़क पर दौड़ नहीं लगाना, क्योंकि छोटे बच्चे हो समझते ही नहीं, आप जैसे बच्चे तो आप जब भी करें या तो अपने बड़ों के साथ सड़क पार करें या फिर आप विशेष नियमों का ध्यान रखते हुए दाएं बाएं देखें और ये देखें कि कोई वाहन तो सामने से नहीं आ रहा है। साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना और मुड़ते समय हाथ से मुड़ने वाली दिशा में संकेत करना। कोशिश करना कि साइकिल चलाते समय नंगे पैर अथवा चप्पल की बजाय जूते पहनना। जब आप साइकिल चलाएं तब भी आप हेलमेट लगाएं और नंगे पैर आप साइकिल नहीं चलाएं, आप साइकिल चलाते वक्त जूते का प्रयोग करें, जूते पहने। बच्चों को ये बातें काम की लगी, इसलिए उन्होंने जोर से कहा, जी सर हम ध्यान रखेंगे। अधिकारी ने आगे जानकारी दी, अच्छा तो अब बोर्ड पर देखो और बताओ कि आपने ये संकेत कहाँ देखे। उन्होंने बोर्ड की तरफ इशारा किया। बटन दबाते ही स्मार्ट बोर्ड पर कुछ संकेत उभर आए। ये संकेत जो दे रखे हैं, देखिए जब उन्होंने अधिकारी ने बटन दबाया तो ये संकेत आए और इनके इनसे संबंधित उन्होंने कुछ प्रश्न किए। बच्चे एक साथ बोले, हाँ स्कूल आते समय हमें ये संकेत दिखते हैं। ने इन सभी चिन्हों का अर्थ बतलाया। वे बच्चों का उत्साह देखकर उन्हें और जानकारी भी देना चाहते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी का समय होने वाला था। बच्चों का उत्साह देखा कि देखो बच्चों में सीखने की कितनी जिज्ञासा है, कितना उत्साह है, लेकिन और जानकारी देते पर उनकी ड्यूटी का टाइम हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी बात वहीं रोक दी। बच्चों ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हम सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करेंगे। अधिकारी ने फिर आने का वादा भी किया कि मैं दोबारा फिर से आऊँगा। उन्होंने जाते समय बोर्ड का बटन फिर से दबाया तो कुछ संकेत फिर से उभर कर आए, नए संकेत और आए। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद अपनी अध्यापिका की सहायता से इन्हें हल जरूर करना। वो बच्चों को काम दे गई कि तुम, मैं नए चिन्ह देखे जा रहा हूँ जिसे तुम अपनी कक्षा अध्यापिका के द्वारा इनको हल करना, उनकी सहायता लेना कि जो चिन्ह है ये हमें क्या बताते हैं। बच्चों क्या आपने अध्यापिका की सहायता से इन्हें हल किया है? आप भी अपनी कक्षा अध्यापिका की सहायता से करें या घर पर जो भी हैं आप उनसे पूछें कि ये संकेत हमें क्या बताते हैं। थैंक यू।